हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट टू। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यूजीसी नेट के का यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 2 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स कराएंगे जिसके जरिए आपकी परसेंटेज बहुत ईजी हो जाएगी, जो आपके DI में भी काम आएगी और परसेंटेज जो अलग से समाएगा उसमें भी काम आएगा। पेपर 1 पेपर 2 का डेली वीडियो PDF पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का फुल कोर्स PDF ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। दोबारा से थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज परसेंटेज में आपने 100 इन्वेस्ट करा है, ठीक है जी, और उसके ऊपर आपको 10% इंक्रीज मिला है, तो आपका नंबर कितना बनेगा? नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि 100 के ऊपर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बनना चाहिए। तो वो कैसे बनता है? हम 100 की वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। 10% इंक्रीज का मतलब जब भी इंक्रीज या डिक्रीज हो 100 के ऊपर होएगा। 100 के ऊपर 10% इंक्रीज मतलब 110 डिवाइड बाय 100, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 110। इस तरह से हमारा ये 110 आ जाता है। सपोज वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने X% इन्वेस्ट करा जिसके ऊपर उसको 10% का इंक्रीज मिला और वैल्यू 110 बन गई। तो इसको कैसे करेंगे कि X के ऊपर उसको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। 10% इंक्रीज का मतलब उतना 100 में प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। एक्स के ऊपर 10% इंक्रीज होने से वैल्यू कितनी बनती है? ये वैल्यू होती है बराबर उतनी वैल्यू के बराबर, तो कितना 110 हो जाती है। जब एक्स के ऊपर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बन गई। अब एक्स की वैल्यू कितनी होएगी? ये 110 सामने सामने कट जाएगा। जब 100 ऊपर चला जाएगा तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी 100। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने मान लीजिए 100 इन्वेस्ट करा और उसकी वैल्यू 110 बन गई। बताइए कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? परसेंट का मीनिंग होता है कि कितना इसके ऊपर डिफरेंस है। डिफरेंस है 10 का। 10 कितने पे? 10 का हमें जो इंक्रीज मिला कितने पे मिला है? 100 के ऊपर मिला है, तो मल्टीप्लाई 100। तो 10 रुपये हमारे हमें जो इंक्रीमेंट मिला है वो 100 पे बना है, जो बेस है वो 100 होएगा। तो 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 10%। ऐसे ही मान लीजिए मैंने किसी को 18 रुपीज़ दिए तो उसने मुझे वापस 27 कर दिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कितना परसेंट का मुझे मुनाफा हुआ। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना है इसका? 9। 27 से 18 माइनस करा है, 9 मैंने कमाए हैं। कितने के ऊपर कमाए हैं? 18 के ऊपर। मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो परसेंटेज आ जाती है। इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 50%। अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता मैंने कितना इन्वेस्ट करा था, लेकिन इतना पता चला कि 50% का इंक्रीज हुआ है और मुझे उस फ्रेंड ने 2700 रुपये वापस दे दिए, तो मेरे को भूल गया कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा। तो कैसे पता चलेगा कि मान लें एक्स परसेंट के ऊपर अगर मुझे 50% का उसने मुनाफा दिया है तो 50% उतना इंक्रीज हो जाएगा 100 के ऊपर। उससे मेरी कितनी वैल्यू बन जाती है? 27। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा और जो 150 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 का 2 से ये 3, और तो ये फ्रेंड्स अगेन देखिए 18 आ गया, ठीक है जी। ये बेसिक है परसेंट का जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको इधर समझा देता हूँ। सपोज किसी चीज़ का 10% है 130, किसी चीज़ का 10% है 130, वो पूछ रहा है बताइए 13% कितना होएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर 10% किसी का 130 है तो 1% कितना होएगा? 130 डिवाइड बाय 10, तो बाद में उसका 13% कितना होएगा? हम क्या करते हैं 13 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 13% हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 100, तो 13% यहाँ से पता लगा पाते हैं, इधर भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन इसका मैं सरल मेथड बताता हूँ आपको, बहुत ही सरल मेथड।
जैसे सपोज 10% इंक्रीज हुआ तो 130 बन गया, तो मुझे ये पता लगाना है, बताइए 13% कितना होएगा। मैं इसका 10 का 13 बना लूंगा। कैसे बनते हैं? मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 13 रह जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी क्या करूँगा, 13 / 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फिर 0 से 0 कट जाएगा तो 13 × 13 = 169 हो जाता है। जो 10 से 10 कट जाएगा तो 13% कितना बनता है, 169। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए वो कह रहा है कि 6 की वैल्यू किसी की मान लीजिए 13 है, तो वो पूछ रहा है 7 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, 7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 7/6 कर दूंगा इधर। ठीक है जी, तो 6 से 6 कट जाएगा, 7 रह जाएगा। जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं दूसरी और भी करूँगा। तो ऐसे मैं 7 की वैल्यू 13 × 7/6 आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। अब मैं एक चीज़ आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास 10 एप्पल है और मेरे फ्रेंड्स के पास 12 एप्पल है। मेरे पास कितने हैं, 10 है, मेरे फ्रेंड्स के पास कितने हैं, 12 एप्पल्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है उसके पास मेरे से 2 एप्पल ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी चीज़ें हैं ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मोर एप्पल है उसके पास और मेरे पास लेस एप्पल है उससे, जब भी वर्ड आए मोर और लेस, ये हमेशा डिफरेंस होता है। अगर बोलूं ए इज 2 more than b, ठीक है जी, तो ये क्या होगा, a - b = 2 क्या होगा। ठीक है जी, अगर मैं बोलूं ए इज 2 less than b, ए इज लेस है तो बी से माइनस होगा, b - a = 2। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स याद रखना, ये बहुत ही हेल्पफुल है सभी एक्सरसाइजेज में, मैथमेटिक्स की कोई भी एक्सरसाइज हो, यहाँ पर मोर और लेस हो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है 65% ऑफ आ नंबर इज 21 less than that of 4/5 ऑफ दैट नंबर। ये लेस है तो ये चीज़ मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ तो ये लेस है तो b - a आएगा, तो कितना आएगा, 4/5 ऑफ मान लीजिए नंबर एक्स है -65% ऑफ दैट नंबर बराबर 21 के। तो 4/5 कितना होता है, लास्ट वीडियो में मैंने, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख ले कृपया, 1/5 होता है 20%, तो 2/5 होता है 40%, 3/5 होता है 60%, 4/5 कितना होएगा, 80%। 80% ऑफ एक्स, मैंने इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो 80% से 15, 65% माइनस करता हूँ तो कितना बचता है, 15% ऑफ एक्स का। ये 21 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होएगी, परसेंट होता है बराबर 1/100 की। तो ये लिख सकता हूँ 15 × 1/100 = 21, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 21, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, 5 से जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 से 7, तो ये कितना आ जाएगा, 140। आंसर क्या है, 7 × 2 = 14, तो 140 आया। अब वो पूछ रहा है इफ 35% ऑफ अ नंबर, अगर 35% ऑफ नंबर मीन्स कोई एक्स लिया है तो वो बराबर है 175 के। तो पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। अब देखिए ये कहते उस नंबर का 175 का कितना परसेंट होएगा, वो उस नंबर का, देखिए पहले हम इस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 35% का मीन 1/100, तो ये हो गया 175, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175, 100 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 5 पे चलेगा 7 पे, तो 2 ये 7 पे 14, तो ये कितना आएगा, 500। तो वो कह रहा है ये जो 500 आई है वैल्यू, कितना परसेंट, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई वाई है, वाई कितना परसेंट ऑफ 175 ऑफ दैट नंबर है, वो दैट नंबर कितना निकाला हमने, 500। तो 500 यहाँ वाई ले ले तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है,
मल्टीप्लाई 175, तो ये y निकाल लेंगे, ये 500, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 175 नीचे आ जाएगा। ये 25 पे चला जाएगा, 25 को 7 से करेंगे और 25 ये आएगा, y की वैल्यू 2000 डिवाइड बाय 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, 76% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास वर बॉयज। वो कह रहा है कि क्लास में जो 76% है स्टूडेंट्स वो बॉयज हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 204 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर 76% बॉयज है तो 100 में से 76 को माइनस करते हैं तो 24% कितने होंगी, गर्ल्स होंगी। तो उसने हमें बता रखा है अगर गर्ल्स 204 हो, इट मींस 24% बराबर किसके हैं, 204 के। तो पूछ रहा है कि टोटल 100% कितनी होंगी, बट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, इस 24 का 100 बना लूंगा, 100 डिवाइड बाय 24 से कर दूंगा, इसे 24 कर जाएगा 100% आ जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर करूँगा, इससे फ्रेंड्स आपके 3 स्टेप बच जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, वे 24 नीचे चला जाएगा, फिर उसका आप 100% निकालेंगे, भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक ही स्टेप में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए 24 का मैंने 100% बनाया था, जिस जो बनाना है वो ऊपर रहेगा, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो जो चीज़ मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर मल्टीप्लाई, यहाँ 24 है, 24 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100%। तो यहाँ 204 100 बाय 24 आ जाएगा, ये 4 पे चले जाएगा, 4 6 51 और 3 को 2 से 3 17 आ गया, ये 2 से 50, तो 17 5 85, तो 850 जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ड, 65% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हो गए हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलर इज 420 व्हाट इज द टोटल नंबर। अब फेल कितने हुए हैं, 420, तो अगर 65% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में से 65 निकालेंगे तो 35% जो है स्टूडेंट्स वो फेल हुए हैं। तो वो कह रहा है फेल कितने हैं, 420, इट मींस 35% किसके बराबर है, 420 के। तो वो पूछ रहा है टोटल नंबर, टोटल नंबर मतलब 100%। 100 कैसे बनाएंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 35, जब 35 से 35 कट जाएगा तो 100% आएगा। जो चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे ये 35 कट गया, ये 100% आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको 420 100 बाय 35 था, 35 से अब 7 से चलेगा, 7 के 5 6 और 5 2, ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1200। अब यहाँ पर कह रहा है 42% ऑफ अ नंबर किसके बराबर है, 892.5। वो पूछ रहा है 73 कितना होएगा, तो 42 का 73 ये एक ही स्टेप में हम बना सकते हैं। क्या करेंगे, 73 डिवाइड बाय 42 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए जी 42 और 42 कट जाएगा, ठीक है जी। तो जो चीज़ मैं ये पूरी यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे इधर भी करनी होगी। तो 73 डिवाइड बाय 42, तो 892.5 मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 42, ये पॉइंट का जिधर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 4 पे चला जाएगा, 4 3 पे चला जाएगा फ्रेंड्स, 3 और ये देखिए, अगर सभी डिजिट का सम जैसे 5 + 2 = 7 होते हैं, 7 8 9 17 और 7 हो जाएगा हमारे पास 24। अगर किसी भी वैल्यू के डिजिट का सम जैसे 24 बनता है, 8 को 9 से 2 से और 5 को सम करेंगे, अगर वो पूरा 3 पे कट जाता है तो पूरी वैल्यू भी 3 से कटेगी। तो देखिए 4 और 2 6, 3 के टेबल पे आता है तो ये भी 3 पे कट जाएगा। तो मुझे ऐसे सीधे पता चल पाया कि ये सीधे 3 पे कट जाएगा, 3 को 2 से करेंगे, 6 और 3 27 और 2 और 2 3 7 21 और 3 5 15। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने को बताया कि आपने सीधे नहीं मल्टीप्लाई करनी 73 से, आपने 70 + 3 से करनी है। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपको 7 का टेबल पढ़ना होगा। यहाँ पर 7 का टेबल आप पढ़ोगे तो साथ में 0 लगा दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। 7 का जैसे आप टेबल पढ़ोगे तो इसको देखिए, 7 को 5 से 35, 3 49 और ये 2
टू, बचा कितना फाइव, सत्तू नाम तिरसठ और पाँच सौ अठारह, इस बचा कितना सिक्स, चौदह चौदह छः बीस। तो ए ये सात को मल्टीप्लाई किया तो साथ में जीरो लगा दी। अब सत्तर को तो मल्टीप्लाई हो गया है, अब तीन तीन को मल्टीप्लाई करना है। तीन को पाँच से तीन पाँच पंद्रह, एक तीन सात इक्कीस, दो बाईस, दो बचा तीन सताईस, दो इकतीस, तीन पंद्रह, एक तीन सताईस बाईस, दो तीन नौ सताईस, 2729, दो और तीन दो छः और आठ, ये इतना बचा। अब इसको सम कर देंगे, ये पाँच आ गया, ये सात आ गया, ये एक सतारह एक, ये आ गया 217175। अब इसको डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर 14 था नीचे और 10 था, 10 को एज इट इज रहने दो, बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब 14 से काटना शुरू कर देंगे, 14 का टेबल आपको टिप्स पे होना चाहिए यार। तो 14 एक गया, 14 को 14 सेवन, सेवन 14 को सात से करेंगे तो यहाँ सेवन सेवन बनना, 14 को पाँच से करेंगे 70, सात उसके बाद वन बचा 71, फिर पाँच से करेंगे वन और सेवन, 14 एकम 14 और तीन पाँच बचेगा हमारे पास, और तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर टू आ जाएगा, 0.5 लग गया। तो नीचे 10 भी था तो ये आएगा 1551.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नीचे 10 है तो एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पर लगा देना। अब देखिए क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के 10% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीन्स वो 90 से रह गया, ठीक है जी। कैसे फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया 10 के ऊपर 100 के ऊपर 10% डिक्रीज करा है, तो 10% डिक्रीज कितना हुआ, तो 100 में से 10 माइनस और 90 डिवाइड बाय 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाता है, ये 90 आ गया। अब कह रहे थे नंबर सोल्ड जो बेचा गया है इंक्रीज बाय 30%, अब उसके ऊपर 30% का इंक्रीज हो गया, तो 30% इंक्रीज मीन्स 90 के ऊपर 30% गिफ्ट, 130 होगा डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो दोनों कट देंगे, 13 को 9 से करेंगे ये आ गया 117। वो कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा 100, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा 117, मतलब 17 का फर्क पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का 17 का, 17 का डिफरेंस कितने के ऊपर 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 17% का रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ा। अब कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25%, कहता है डिफरेंस मतलब दो चीज़ों का डिफरेंस, एक नंबर के ऊपर 125% इंक्रीज हुआ, तो एक नंबर के ऊपर 25% इंक्रीज मतलब वो 125% हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय, ओरिजिनल नंबर वही नंबर की बात कर रहा है, तो ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस है मतलब जो डिक्रीज बाय 30% मतलब वो 70% रह गया, तो ये कह रहा बराबर किसके है 22 के, दोनों चीज़ों का डिफरेंस किसके बराबर है 22 के, किसके किसके, जैसे 25% पहले ओरिजिनल नंबर पे इंक्रीज हुआ तो वो 125% हो गया, 30% कम हो गया तो 70% का हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 22 के बराबर है। अब देखिए 125 से 70% माइनस करेंगे तो यह 55% ऑफ एक्स बराबर किसके है 22 के। वो बताइए क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर कितना होता है 100%, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 55% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22 है, मैंने इसका 100% पता करा है, 100% पता करने के लिए 100 ऊपर लिखूंगा और 55 नीचे लिखूंगा, जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा, ठीक है जी। तो ये 55 से 55 कट जाएगा तो ये 100% ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए 11 के टेबल में 11 दो, 11 को 5, 5 को 2 से करेंगे, ये 20 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 100% कितनी वैल्यू आ गई, वो आ गई 40। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जैसे जैसे आगे वीडियोस जाएंगी मैं आपके जो लेवल है वो वैसे वैसे इंक्रीज करता चला जाऊंगा, और साथ में आपको सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का जो आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए अगर आपको लगता है कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड इसके बाद जो लेक्चर 3 आएगा परसेंटेज का वो देखना मत भूलिए, टोटल 8 लेक्चर आएंगे तो इसे आप डेली देखते रहिए। अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।